अब बात करेंगे एक संत की जो इस वक्त चर्चा में है। जी हाँ, आचार्य बाल मुकुंद की बात कर रहे हैं, जो राजस्थान में चुनाव हुए थे उसको जीत कर किस तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक का बाल मुकुंद का एक्शन देखने को मिला है। जयपुर में अवैध मीट दुकानों को हटाने की चेतावनी उन्होंने दे दी है, पुलिस अधिकारियों को फोन करके उन्होंने हड़काया। तो देखिए, जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही हवा महल से विधायक बने हिंदू फायर ब्रांच बाल मुकुंद आचार्य महाराज एक्शन मोड में भी आ चुके हैं। और एक दिन पहले उन्होंने अधिकारियों को लतार लगाते हुए अवैध बूचड़खानों, अवैध मांस की दुकान और रेस्टोरों को अतिक्रमण क्षेत्र से हटाने की हिदायत देते हुए खुद प्रशासन को लेकर के सड़क पर निकल पड़े। आचार्य बाल मुकुंद हवा महल इलाके में प्रसिद्ध हाथोज धाम के पीठाधीश्वर हैं और अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के प्रमुख भी हैं। लेकिन आचार्य बाल मुकुंद चुनाव जीतने के बाद जश्न मनाने के बजाय अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याएं ठीक करने के लिए किस तरीके से पहुंच गए, किस तरीके से एक्शन में नजर आए, उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने। फोन लाइन पर अधिकारी को हड़काते और नॉनवेज दुकान हटाने का आदेश देते ये हैं बीजेपी के नव नियुक्त विधायक आचार्य बाल मुकुंद। आचार्य बाल मुकुंद चुनाव जीतने के साथ ही खूब चर्चा में हैं। ये जयपुर के हवा महल सीट से जीत कर आए हैं। इन्होंने कांग्रेस के मजबूत गढ़ में तगड़ी टक्कर देते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। आचार्य बाल मुकुंद चुनाव जीतने के बाद जश्न मनाने की बजाय अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याएं ठीक करने पहुंच गए। बता दें कि हवा महल के इलाके में खुले में नॉनवेज की अवैध दुकानें एक बड़ी समस्या है। यहां अतिक्रमण और साफ सफाई को लेकर आए दिन लोगों की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद आचार्य बाल मुकुंद एक्शन में आ गए हैं और इस अवैध दुकानों को हटवाने खुद पहुंच गए। जो समस्याएं मातो बहनों से सुनी और ली और जो पदयात्रा हमारे मतदाताओं के घर घर जाके की, उसमें समस्या हमने नोटेड की थी पहले से ही कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आपके बीच में अब जन सेवक के रूप में आए तो समस्याओं का निवारण के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे हम। और वह है, हमने कल हमें शाम को सर्टिफिकेट मिला, मिलते के साथ में हमने आज सुबह अपना काम शुरू किया। मैं उनमें से कभी भी नहीं हूं कि मैं माला और उद्घाटनों में और मिठाई के डब्बों में विश्वास करता हूं। ये दिमाग से सब निकाल दें, मेरा विश्वास काम में है। मुझे मतदान दिया है माला के लिए नहीं दिया, मुझे मतदान दिया है काम के लिए। वो काम तभी संभव होगा जब हम करेंगे। तो हमारे समस्त यहाँ के पार्षदगण, भाजपा कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सब पूरे सब लोग हम लोग काम में जुट गए। इससे पहले आचार्य बाल मुकुंद ने नगर निगम के एक सीनियर अधिकारी को फटकार लगाते हुए मीट की अवैध दुकानों को हटाने को लेकर फोन किया था, जिसका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने। लेकिन नॉन वेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो। आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है महरानिया जी कौन अधिकारी है। बता दें कि आचार्य बाल मुकुंद हवा महल इलाके में प्रसिद्ध हाथोज धाम के पीठाधीश्वर हैं और अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के प्रमुख हैं।